मार्केट में इसका जो अभी बज़ है वो आपने सुना ही होगा कि भाई 20,000 रुपये पे सेक्टर 89 में गोदरेज ला रहा है कुछ। एक्चुअल प्राइस कितने प्राइस में वो आ सकता है या आएगा उसके हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सामने देखिए आपको क्रिसुमी जो है वो दिख रहा है। क्रिसुमी इसीलिए मतलब ये बहुत, मैं बता रहा था कि कंपैरिजन इसका कई प्रोजेक्ट से होगा, क्रिसुमी से कंपैरिजन होगा, चाहे आप माने चाहे ना माने देखिए भाई, लेकिन SS90 से भी कंपैरिजन होगा, 37D जो सिग्नेचर ग्लोबल है उससे भी कंपैरिजन होगा, और सबसे बड़ा कंपैरिजन जो है वो है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP 113 से, क्योंकि रेट्स बहुत सिमिलर होंगे। सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी कि 2BHK और 2.5BHK भी होंगे इसमें, जो कि आज लोग बहुत कम बना रहे हैं, मतलब 3BHK 3.5BHK से शुरुआत हो रही है, वो भी बड़े साइज से शुरुआत हो रही है। तो आप ले सकते हैं SS90 भी, लेकिन SS90 में ब्रांड वैल्यू जाहिर सी बात है गोदरेज वाली नहीं है, लेकिन हाँ आपको वहाँ 2300 स्क्वायर फीट का 3BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर लगभग इतने में ही मिल जाएगा, 2.75 करोड़ में, जहाँ पे आपको इसका 2.5BHK मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये गोदरेज है। और बहुत से पॉइंट्स हैं इस गोदरेज 89 के प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। क्लब हाउस 40,000 स्क्वायर फीट का आ रहा है, जॉगिंग ट्रैक है, एथलेटिक ट्रैक है, और मल्टी लेवल क्लब हाउस आएगा, 4 स्टोरी का क्लब हाउस आएगा, 2 स्विमिंग पूल होंगे, एक रूफ टॉप स्विमिंग पूल होगा, एक नीचे स्विमिंग पूल होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। दिस लैंड बिलोंग्स टू गोदरेज प्रॉपर्टीज़। हाँ तो भाई उसी के लिए तो आए हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज बहुत खूबसूरत सी धूप निकली हुई है, इट्स अ ग्रेट सनशाइन, तो इसीलिए सनशाइन जैसा ही हम लोग आपके लिए नया प्रोजेक्ट लाए हैं, नया लॉन्च जो होने वाला है गोदरेज का। बहुत सारे आप में से मेरे व्यूअर्स को पता था पहले से, और ये अंदेशा था कि भाई सेक्टर 89 में न्यू गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के बहुत करीब गोदरेज के पास लैंड है, तो ये कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, कितने प्राइस में लॉन्च होगा। मार्केट में इसका जो अभी बज़ है वो आपने सुना ही होगा कि भाई 20,000 रुपये पे सेक्टर 89 में गोदरेज ला रहा है कुछ। एक्चुअल प्राइस कितने प्राइस में वो आ सकता है या आएगा उसके हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या अम्यूनिटीज़ आ रही हैं, कितने क्या डेंसिटी होगी, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे टेंटेटिव डिटेल्स, लेकिन वो टेंटेटिव डिटेल्स जो हैं वो बहुत पुख्ता होंगी, इसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। रेरा इज़ अवेटेड। कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं इसके कंपैरिजन में जो आ सकते हैं आसपास के एरिया में या थोड़ा दूर पे भी, वो सब बातें करेंगे। तो समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है पहले, इसीलिए हम लोग आएँ, थोड़ा सा आवाज़ भी होगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए इधर देखिए रोड है, तो ये जो लैंड है वो बैंग ऑन, दिस इज़ द मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, इधर आप चले जा रहे हैं तो सीधे लगभग 1 किलोमीटर में आप द्वारका एक्सप्रेसवे टच हो जाएंगे, और इस तरफ चले जाएंगे तो मैंने अभी रिसेंटली आप थंबनेल देख रहे होंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी जो लेटेस्ट लॉन्च होने वाला है SS90 का, तो सीधे एक चौराहा छोड़ के अगले चौराहा छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा, वहाँ पे SS90 आ रहा है सामने। इधर ये देख लीजिए रोड क्रॉस करके ये है गोदरेज एयर, जहाँ पे अभी रीसेल का रेट मतलब आने वाला है, एकदम इसका पोजीशन आने वाला है, OC अप्लाइड है, तो रीसेल का रेट लगभग इसका चल रहा है 12,000 रुपये का। ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, आप लोग को एक वीडियो मेरा पिछला भी बड़ा पसंद आया था जिसमें हमने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से गाड़ी से ले जाके दिखाया था कि भाई कितनी दूर पे है, वैसे हम अभी भी आपको एक बार ले चल के दिखा देंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से क्या है और कैसे कनेक्टिविटी है। तो देखिए बेसिकली सेक्टर 89 की खास बात यह है कि सेक्टर 89 में पहले आपने सुना होगा स्मार्ट वर्ल्ड का जेम्स भी था, और वो पीछे ही है, एकदम वो पीछे दिखता है यहाँ से, और द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत करीब है, 1 किलोमीटर है बस द्वारका एक्सप्रेसवे से। अब मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि भाई कनेक्टिविटी हर तरफ से है, NH8 भी कनेक्टेड है यहाँ से, पटौदी भी कनेक्टेड है, मानेसर भी आगे जाकर कनेक्ट हो जाता है, द्वारका एक्सप्रेसवे भी कनेक्टेड है। तो NH8 पे जाने के लिए अगर जैसे मान लीजिए आपका घर यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे रहते हैं, तो आप यहाँ से निकले, आपने लेफ्ट लिया, सीधे आप CPR आ जाएगा, अभी चल के दिखाएंगे आपको, CPR आ जाएगा, CPR से चढ़ के उतरेंगे आप जैसे ही, तो अगर आपको SPR जाना है, गोल्फ कोर्स रोड जाना है, तो भी बिल्कुल सीधा रास्ता पड़ेगा। अब अगर आपको NH8 पर उतरना है तो NH8 उतर सकते हैं, उससे पहले भी अगर आपको NH8 की तरफ जाना है तो अगले चौराहे से राइट ले लेंगे जैसे ही, तो वो सफारी 83 वाला एरिया आ जाएगा, ऐसे लिंडन वाला एरिया आ जाएगा, वहाँ से भी आप NH8 कनेक्ट कर सकते हैं। आगे अच्छा खासा कमर्शियल सेक्टर डेवलप्ड है, तो लोकेशन तो अच्छी है, देखिए नो डाउट, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं इसमें समझने वाली वो हम लोग बात करते हैं। तो अभी प्रोजेक्ट की डिटेल्स और द्वारका एक्सप्रेसवे से दूरी, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी कार में बैठ के डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं कार की तरफ और अंदर बैठ के द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चलते चलते, और उसके आगे फिर चलते चलते बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या क्या समझना है इसमें, ठीक है। तो लेट्स हेड टूवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे।
चलिए शुरू कर दिया है हम लोग ने रास्ता अपना सफ़र, और सफ़र ये द्वारका एक्सप्रेसवे तक का तो बहुत छोटा सफ़र है, उसके आगे फिर आपको चल के दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों का ऑफिस जो है वो SPR या उधर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ, गोल्फ कोर्स रोड की तरफ है, तो मैं कोशिश करूँगा उधर भी दिखाने का थोड़ा सा, अगर खुला हुआ हो जो CPR है, क्योंकि कई बार ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं अभी, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा फंक्शनल नहीं है। ये चौराहे की मैं बात कर रहा था, ये देखिए चौराहा है, इधर से लेफ्ट चले जाएंगे तो स्मार्ट वर्ल्ड का जेम्स आ जाता है, और इस प्रोजेक्ट का भी एक एंट्री मेरे ख्याल से रहेगी। इस तरफ पीछे ये चौराहा जा रहा था वही NH8 की तरफ जा रहा था, Sapphire 83 की तरफ जा रहा था, और आगे ये हम लोग द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो द्वारका एक्सप्रेस वे आपको देखना होगा, मैं दिखाऊंगा अभी, और अंदर टनल जाती है, जो टनल यहाँ से जाके सीधे CPR पे निकलती है। तो CPR इज़ बेसिकली, आप लोगों को पता होगा, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को SPR से कनेक्ट करता है। बेसिकली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का मैं नाम इतना ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि SPR इज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन तो नाम रखा हुआ है ना, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन नाम है तो नहीं, जैसे कि गोल्फ कोर्स रोड का नाम जो है राघवेंद्र मार्ग है, तो वो तो गोल्फ कोर्स रोड नाम रखा हुआ है। बेसिकली ये जो CPR है वो SPR पूरा कनेक्ट कर देता है, और फिर वो SPR इज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। अब वाटिका अंडरपास बनने के बाद तो SPR और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एकदम सेम ही हो गए, इस वजह से SPR में भी रेट बढ़ेंगे। तो सामने देखिए हम लोग आए हैं अभी 0.8 किलोमीटर, और सामने आपको देखिए वो दिख रहा है पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे। ये हम लोग समझ लीजिए कि 0.8 किलोमीटर मान लीजिए, 0.9 किलोमीटर हो गया है ना, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया। ये कनेक्टिविटी, ये देखिए इलान मिराकल है, इसको हम लोग इलान मिराकल चौराहा भी बोलते हैं क्योंकि बड़ा खूबसूरत बनाया है इलान ने ये। और ये देखिए हम लोग टनल में चले गए हैं अंदर। अब ये टनल निकाल देती है सीधे, मतलब इस टनल में तब जाना होता है जब आपको सीधे CPR निकलना है। अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे जाना है तो ये टनल में नहीं जाएंगे, आप ऊपर से लेके लेफ्ट ले लेंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे, और यहाँ से लगभग सेक्टर 113 जो कि सबसे प्राइम सेक्टर बोला है, सेक्टर 113 111 जो सबसे प्राइम सेक्टर बोले जाते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे के, जहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड और M3M कैपिटल, क्योंकि वो दिल्ली से लगी हुई एकदम लोकेशन है, तो वो बोले जाते हैं, वो यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर है। तो मैं स्मार्ट वर्ल्ड का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे, मैं सही बताऊँ तो स्मार्ट वर्ल्ड का जो 113 है, मैं अभी जो स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊँगा गोदरेज की, वो बहुत सिमिलर है स्मार्ट वर्ल्ड से, और अगर रेट की बात करें तब भी। तो बेसिकली देखिए अब हम लोग आ गए हैं CPR पे। सामने देखिए आपको क्रिसुमी जो है वो दिख रहा है, क्रिसुमी इसीलिए, मतलब ये बहुत, मैं बता रहा था कि कंपैरिजन इसका कई प्रोजेक्ट से होगा, क्रिसुमी से कंपैरिजन होगा, चाहे आप माने चाहे ना माने, देखिए भाई, लेकिन SS90 से भी कंपैरिजन होगा, 37D जो सिग्नेचर ग्लोबल है उससे भी कंपैरिजन होगा, और सबसे बड़ा कंपैरिजन जो है वो है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP 113 से, क्योंकि रेट्स बहुत सिमिलर होंगे और स्पेसिफिकेशंस और जो साइजेस होंगे वो भी सिमिलर होंगे। तो अब हम लोग बढ़ गए हैं CPR की तरफ, ये देखिए आप CPR हम लोग आ गए, और ये सीधा उतार देता है SPR में। अगर ब्लॉक्स आज ना लगे हो तो मैं SPR की तरफ उतार के भी आपको दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि NH8 किधर से कनेक्ट होता है, क्योंकि आप लोग अगर गुड़गांव में रहते हैं तब तो आप जानते होंगे, लेकिन कई मेरे व्यूअर्स हैं जो इंडिया में नहीं हैं या गुड़गांव में नहीं रहते हैं, साउथ इंडिया से देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर एनीवेज प्रोजेक्ट डिटेल्स बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल्स जो आ रही हैं ये गोदरेज का सेक्टर 89 में जो है 14.5 एकड़ का लैंड पार्सल होगा, लगभग 8 या 9 टावर इसमें आएंगे, लगभग 1000 यूनिट्स होंगी, और डेंसिटी की अगर आप लोग, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो डेंसिटी लगभग 70 से 75 यूनिट्स पर एकड़ की होगी। अब आप इसको कैसे देखते हैं, हम लोग इसको मानते हैं भाई 60 यूनिट के आसपास, 60 यूनिट से कम होती हैं, 50 यूनिट के आसपास होती हैं, 55 यूनिट होती हैं, तो लो डेंस माना जाता है, तो मिड फेयरली डेंस हो गया, मतलब मिड डेंसिटी हो गई इसकी 70-75 वाली, और G+30 के फ्लोर्स होंगे इस पर 4 to a core, और रूम साइजेस जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी USP है गोदरेज की कि भाई क्या साइज़ आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी कि 2 BHK और 2.5 BHK भी होंगे इसमें, जो कि आज लोग बहुत कम बना रहे हैं, मतलब 3 BHK 3.5 BHK से शुरुआत हो रही है, वो भी बड़े साइज़ से शुरुआत हो रही है। तो कई लोग ऐसा है जिनका बजट रेंज वो लेवल में नहीं पहुँच पाता है बजट रेंज का, और उसके बाद फिर भी वो चाहते हैं कि भाई एक अच्छे प्रोजेक्ट में हम रहें, एक अच्छी लोकेशन पर रहें, तो 2 और 2.5 BHK का बजट होता है, एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि अब 2 और 2.5 BHK बनना बहुत कम हो गए, तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है इन्वेस्टर्स के लिए। वो देखिए उधर ये नीचे जो रास्ता जा रहा है, ये NH8 आप चले जाएंगे तो नीचे NH8 पे उतर जाएंगे आप, ये देखिए ब्लॉक्स खुले हुए हैं, ये ऐसे ब्लॉक्स लगे रहते हैं, तो हम अब उतर रहे हैं, देखिए नीचे NH8 चल रहा है,
और अब हम लोग उतर रहे हैं SPR की तरफ। तो अब कितने किलोमीटर आ गए हम लोग, मैं अपने मीटर में देख के आपको बताता हूँ, 3.9 किलोमीटर हम लोग आ गए, मतलब बेसिकली लगभग 4 किलोमीटर में आपने NH8 टच कर दिया। वो देखिए उधर, वो साइबर सिटी 2 है, वो DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स है, और वहीं पे अमेरिकन एक्सप्रेस आ रहा है, ये भी नीचे उतार देता है, NH8 की तरफ उतार देता है रास्ता। अब देखिए हम लोग बहुत स्मूथली, कितने प्यार से और सही तरीके से हम लोग आराम से उतर गए हैं SPR पे। अब यहाँ से SPR पे आप आ गए तो यहाँ से कहीं भी आप चले जाइए, गोल्फ को एक्सटेंशन की तरफ, या वाटिका चौक से फिर आगे जाके आपको अगर राजीव चौक कनेक्ट करना है तो उधर, गोल्फ कोर्स रोड जाना है तो उधर, साइबर सिटी जाना है तो उधर। तो लोकेशन देखिए तो अच्छी है। तो अब बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइस, कि जो गोदरेज का प्राइस आ रहा है, जो मार्केट में बज़ है, वो है लगभग आप मान के चलिए कि 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का। लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है गोदरेज को, मैंने काम कराया गोदरेज के साथ काफ़ी, तो होता ऐसा है कि जो प्राइस ये बोलते हैं, जैसे गोदरेज एरिस्टोक्रेट ही देख लीजिए आप, तो उसमें भी जो प्राइस बोलते हैं वो लगभग अगर 22,000 बोला है प्राइस, तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं 18,000-17,000 के आसपास चीज़ आ सकती है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो और जाहिर सी बात, एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ मैं, वह सोच समझ के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि देखिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बेसिकली है क्या, अब हम लोग SPR पे उतर गए हैं, है ना, बिल्कुल साइबर सिटी 2 के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा सो थोड़ा उतर के बात कर ले यहाँ पे। तो अब क्या है कि आप ये मान के चलिए कि भाई जो साइज़ जो 2 BHK के शुरू होंगे वो लगभग 1400 स्क्वायर फीट से शुरू होंगे, और प्राइस जो आएगा वो लगभग मान के चलिए आप लमसम 18,000 के आसपास मान के चलिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 20,000 का प्राइस आया अभी, तो भी इनॉग्रल डिस्काउंट और TPR ये सारी चीज़ें जो लगती हैं वो आप चेक अगर देंगे आप, तो आप 18,000 का प्राइस मान के चलिएगा। 20,000 मान के चल रहे तो बहुत ही अच्छा है, तो फिर जाहिर सी बात आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। 20,000 से ऊपर तो नहीं आएगा, 18,000 के आसपास मान के चलिए। तो अगर 2 BHK के साइज़ भी 1400 स्क्वायर फीट का भी देख लेते हैं, तो भी साइज़ जो है वो, मतलब प्राइस जो आएगा लगभग 2.5 करोड़ का आएगा। तो बेसिकली प्रॉपर्टी ये जो शुरू हो रही है वो 2.5 करोड़ से शुरू हो रही है, और 2.5 BHK अगर आप देख लें तो वही 2.25 करोड़ के आसपास चला जाता है। अब मैं ये बोल रहा था, मेरा जो, जब मैंने समझा इस प्रोजेक्ट को और सारी डिटेल्स मुझे मिली, तब मैंने ये समझा कि भाई आसपास जो गोदरेज में, मतलब यहाँ न्यू गुड़गांव में जो लॉन्चेस हो रही है, ऐसे SS90 लॉन्च हो रहा है, तो SS90 लगभब मान के चलिए आपके 12,000-12,500 पे लॉन्च होगा। वहीं पे उसके 1.5 किलोमीटर पहले गोदरेज लॉन्च कर रहा है लगभग 18,000 रुपये पे। तो लोग बहुत वेट कर रहे थे गोदरेज का। अब गोदरेज एरिस्टोक्रेट भी सेक्टर 49 वाला देख लीजिए आप, कि मुझे पर्टिकुलरली, मैं सही बताऊं, जब मैंने वो वीडियो शुरू करा था तो मैंने बोला था दिस प्रोजेक्ट विल बी ओनली फॉर द गोदरेज लवर्स। तो ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे उसकी अप्रोच रोड इतनी अच्छी नहीं लगी थी। अप्रोच रोड बहुत ही पतली थी, बहुत ही थिन थी, तो नैरो थी बहुत ज़्यादा। फिर भी वो देखिए कैसे, कितना उड़ के बिका है, मतलब लोग कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं उसकी। तो गोदरेज का और ऐसा है। तो आप बेसिकली ये समझना है आपको कि आप ले सकते हैं, अगर सिमिलर लोकेशन लेना चाह रहे हैं आप, तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एंड यूज़ के भी लेना चाह रहे हैं, तो आप ले सकते हैं SS90 भी। लेकिन SS90 में ब्रांड वैल्यू जाहिर सी बात गोदरेज वाली नहीं है, लेकिन हाँ आपको वहाँ 2300 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर लगभग इतने में ही मिल जाएगा, 2.75 करोड़ में, जहाँ पे आपको इसका 2.5 BHK मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये गोदरेज है। गोदरेज में भाई जाहिर सी बात है कि गोदरेज इतनी बड़ी कंपनी है, इतना नाम है गोदरेज का, और आप श्योर होते हैं कि भाई जो चीज़ बोल रहे हैं वो बना के देंगे, है ना। तो उसका भाई प्रीमियम तो देना पड़ेगा आपको, कि आप ये बताना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैं गोदरेज में रहता हूँ, तो भाई उसका प्रीमियम तो आपको देना पड़ेगा। नहीं तो फिर SS90 भी कंसिडर कर सकते हैं आप, लेकिन गोदरेज ये मानता है कि भाई SS90 से मेरा कंपैरिजन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं सही बताऊँ तो ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो लोग कंपेयर करेंगे। गोदरेज का कहना ये है कि भाई हम क्रिसुमी से अपने आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो क्रिसुमी में आपको यही 2 BHK, थोड़ा सा आगे जाके मैंने दिखा दिया आपको, अभी ये चलते चलते क्रिसुमी कहाँ पे, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, वहाँ पे 4 करोड़ का आपको 2 BHK मिलेगा। तो वो भी किस चीज़ के पैसे ले रहा है कि हम ग्लोबल सिटी के एकदम आगे हैं, पीछे एकदम ग्लोबल सिटी आ रही है। वो स्टोरी भी यहाँ प्ले आउट होती है इस आसपास के सारे एरिया में, सिर्फ क्रिसुमी को फ़ायदा नहीं होगा, सबको फ़ायदा होगा ग्लोबल सिटी के आने से। तो बेसिकली मेरा कहना आपसे ये है कि भाई 37D की अगर बात करें या हम 89 की बात करें, दोनों दौर के एक्सप्रेसवे पे टेक्निकली नहीं है। टेक्निकली देखा जाए दौर के एक्सप्रेसवे के जो जो सेक्टर्स हैं वो है 99 सेक्टर से लेके 115 सेक्टर तक। तो 37D
तो उसमें नहीं आता है, लेकिन हाँ है तो दौर के एक्सप्रेस वे पे ही, जिस तरह का जिस तरफ उसका लैंड पार्सल है तो वो दौर के एक्सप्रेस वे पे ही है। तो और ऐसी सेक्टर 89 है, सेक्टर 89 के भी जब टावर खड़े होंगे ना तो दौर के एक्सप्रेस वे से ही इसको कहा जाएगा कि भाई दौर के एक्सप्रेस वे पे ही प्रॉपर्टी, क्योंकि बिल्कुल 1 किलोमीटर ही है अंदर। जैसे कि DLF क्रेस्ट पीछे जाके है गोल्फ कोस्ट रोड पर, लेकिन माना तो जाता है कि गोल्फ कोस्ट रोड पर है। तो अब मैंने आपको ये बोला था कि भाई ये प्रोजेक्ट कंपैरिजन जिससे होगा वो होगा SS90 से, क्योंकि बहुत पास की लोकेशन है, ब्रांड वैल्यू में ऑब्वियसली डिफरेंस है, लेकिन आपको वहाँ पे इसी प्राइस रेंज में जहाँ पे 2.5 BHK यहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे 3.3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर मिल जाएगा 2300 स्क्वायर फीट का। 37D में अगर देखें तो वो भी 13-14-15 मतलब 16,000 के आसपास उसका लॉन्च होगा 37D का, सिग्नेचर ग्लोबल का। लेकिन अभी जो चेक हम लोग के पास आए हैं, जो हमने बोला था पिछले भी वीडियोस आपने देखे होंगे मेरे दो, उसमें जितने मेरे व्यूअर्स ने हमारे पर भरोसा किया है, हमें चेक दिया है, उनको हमने 13,000 का रेट कमिट करा है कि 13,000 के रेट पर आपको चीज़ दिलवाएंगे। तो अब इसका रेट आ रहा है 18,000, तो रेट में तो बहुत डिफरेंस है। अगर कंपैरिजन होगा तो क्रिसुमी से भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आ रहा है 23-24 हज़ार रुपये। क्रिसुमी अभी जो लॉन्च करेगा अपने इसमें लोकेशन पे, वो 23-24 हज़ार पे लॉन्च करेगा, ये आ रहा है 18,000 में। तो एक ही कंपैरिजन आ रहा है, सबसे क्लियर कंपैरिजन, लेकिन लोकेशन का बहुत डिफरेंस है उसमें। रेट का कंपैरिजन जैसे आपके फेज़ टू आ रहा है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP 113 का, तो उसमें इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लोकेशन बहुत डिफरेंट है लेकिन प्राइस बहुत सिमिलर आ रहा है। 18,000 इधर भी प्राइस लगभग आएगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, और अभी जो चेक EOI चेक जो लिए जा रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड के, वो भी लगभग इसी प्राइस रेंज में लिए जा रहे हैं 18-17 999 पे। और जो उनका जो लग्जरी टावर्स हैं दो हैं जो उनके, वो 19,000 रुपये पे। तो उसका लॉन्च होगा, उसका लॉन्च भी 22,000 पे होगा, लेकिन अभी उसका प्री लॉन्च और इसका प्री लॉन्च गोदरेज का और स्मार्ट वर्ल्ड का बहुत सिमिलर है। साइजेज़ अगर 2BHK देख लें, 2BHK जो थे स्मार्ट वर्ल्ड के, वो भी 1400 थे, ये भी 1400 हैं। जो उनका डेक वाला 2.5 BHK था वो 1600 के आसपास था, ये भी 1600 2.5 BHK है। 3BHK में भाई 2000 स्क्वायर फीट का 3BHK होगा इसका गोदरेज का, फिर 2300 स्क्वायर फीट का 3.5 BHK होगा, उसके बाद फिर 4BHK लगभग 2500 से 2800 स्क्वायर फीट के बीच का होगा गोदरेज का, जो मैं बता रहा हूँ। बहुत सिमिलर चीज़ें स्मार्ट वर्ल्ड में भी हैं, लेकिन स्मार्ट वर्ल्ड की ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि लोकेशन में विनर है स्मार्ट वर्ल्ड इसमें, क्योंकि सेक्टर 113-111 जो है बहुत दिल्ली के लगे हुए सेक्टर हैं, एकदम 8-10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं बिल्कुल अपने एयरपोर्ट पे। तो वो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं लोकेशन में विनर ऑब्वियसली स्मार्ट वर्ल्ड रहेगा, लेकिन हाँ ब्रांड वैल्यू में थोड़ा सा गोदरेज जीत जाता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कंफ्यूज आप ना हो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको क्या करना है। आपका या दो ही पर्पज हो सकते हैं, या एंड यूज़ हो सकता है या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अगर एंड यूज़ भी है आपका और इन्वेस्टमेंट भी है, तब भी गोदरेज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट, लेकिन आपको यह समझना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी बड़ा साइज का फ्लैट है या फिर आपकी प्रायोरिटी ज्यादा बड़ी ब्रांड वैल्यू है, उससे आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ने इस वीडियो में काफी कुछ समझाने की आपको कोशिश करी है, लेकिन मेन जो डिस्कशन होगा वो ऑन कॉल होगा। ये नंबर आपको हमारा दिख रहा होगा और इधर #Godrej89 दिख रहा होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या आपको कुछ कन्फ्यूजन भी है कि भाई हमें गोदरेज 89 में जाना चाहिए या किसी और प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या इस पर यह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर #Godrej89 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अभी बहुत सारी बातें करनी है आपसे कॉल पे, और लोकेशन अगर आपको देखनी है या जो भी प्रोजेक्ट में है जिसमें मैंने आपको बताया कंपैरिजन बताया उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बस इतनी छोटी सी बात करनी थी आपसे, और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना था। और बहुत से पॉइंट्स हैं इस गोदरेज 89 के प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। क्लब हाउस 40,000 स्क्वायर फीट का आ रहा है, जॉगिंग ट्रैक है, एथलेटिक ट्रैक है, और मल्टी लेवल क्लब हाउस आएगा, 4 स्टोरी का क्लब हाउस आएगा, 2 स्विमिंग पूल होंगे, एक रूफ टॉप स्विमिंग पूल होगा, एक नीचे स्विमिंग पूल होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।